ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम स्वराज दिवस का आयोजन शनिवार को विकास भवन प्रांगण में किया गया, जिसमें बेहतर कार्य करने वाले ग्राम प्रधान अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित भी किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन का प्रमाण पत्र लाभार्थियों को दिया गया। समारोह की अध्यक्षता बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है, इसके लिए गांव में चौपाल भी लगाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, विमलेश पासवान, शीतल पांडे और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए आम आदमी को जानकारी होना उसका जरूरी है। चौपाल के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि जिले के 105 गांव में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16 योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को संतृप्त किया जा रहा है। समारोह का संचालन सीडीओ अनु सिंह ने किया। ग्राम स्वराज दिवस 14 अप्रैल भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा की गई थी। अनुरोध करूंगा कि कृपया आप जानते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलके एक भव्य योजना आयोजित की है। 14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर जी का दिवस से ये प्रारंभ हुआ है योजना। मई 5 तक ये योजना जारी रहेगा। उसी के अंदर 86 गांव रेवेन्यू विलेज केंद्र सरकार ने चिन्हित करके दिए, किसका विकास का गति धीमे हो, कहां गरीब लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं और कहां SC ST जनसंख्या ज्यादा हो। केंद्र सरकार ने 86 गांव का सूची हमें दिए, राज्य सरकार ने और अतिरिक्त कहां कहां ग्राम समाज में SC ST जनसंख्या ज्यादा है उसको जोड़ते हुए 19 गांव अतिरिक्त उससे जोड़ दिए, यानी टोटल 105 गांव का हम लोग विभिन्न योजना में संतुलित करना है। साथ साथ नगरीय क्षेत्र में कहां SC ST बहुल्य क्षेत्र ज्यादा है उसको एक वार्ड सुनाया गया, उसी हिसाब से यहां 8 नगर पंचायतें एवं नगर पालिका का वार्ड नंबर 1 ये चुने हुए हैं। इसी के अंदर हम लोग घर घर जाकर के सर्वे किए थे, जो टोटल 105 गांव है एवं 9 वार्ड है, यानी जो 8 नगर पंचायत का है और 1 नगर निगम का वार्ड है, उसमें घर घर जाकर के हम लोग कर्मचारी सर्वे किए थे। 16 विभिन्न योजना है उसमें, उसके उसी के हिसाब से मान लीजिए किसी के घर पे सिलेंडर का कनेक्शन है क्या नहीं, बिजली का कनेक्शन है क्या नहीं, किसका तो राशन कार्ड बना हुआ है क्या नहीं और किसी का टीकाकरण लगाना है, किसका जनधन योजना के अंदर खाता खुलवाना है, किसका लोन का व्यवस्था कराना है, उसी टाइप का तो तमाम विभाग है। इसमें तमाम केंद्रीय विभाग है एवं राज्य विभाग है, उसके अलावा PSU केंद्रीय जो बड़े बड़े संगठन है उन लोग भी शामिल है। ये योजना तो सर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि का नेतृत्व में योजना बहुत सफल रहा। रोजाना जनप्रतिनिधिगण विधायक जी, सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी हर गांव में जाते थे, चौपाल लगाते, सीधे सीधे रूबरू हो जाते थे जनता से, जो उनका समस्या वही हाल हो जाता था। और अभी भी जारी है ये अभियान, अभियान के तौर से कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक गांव लगा हुआ है, यहां जो पास का गांव लगा हुआ है, डिटेल नहीं हुआ है, शाम तक वो क्लियर हो जाता कौन सी गांव में आने वाले हैं। और बाकी इस पे जो मैं ये बताने चाहता हूँ, ये योजना इतने विभिन्न सफलता रहा, हमसे जनता से ये मांग की जा रही है कि और भी गांव में कवर कर ले। मेरा निवेदन है आप यदि अनुमति देंगे बाकी बचा हुआ गाँव है सबको हम अभियान 2 महीने में चला करके सारे गाँव के सुविधा पहुंचाएंगे। ये भी आगे हम योजना बना करके सरकार को भेज देंगे। हम लोग का जो
जिला स्तर पे जो साधन है उसी के अंदर कितने गांव का हम आच्छादित कर सकते हैं, सैचुरेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम रणनीति बना करके आगे भी जारी रखेंगे। हमारे अतिथिगणों को ये अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लाभार्थियों को आज बुलाया गया है और यहाँ पे वो उपस्थित हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 350 जो हमारे लाभार्थी हैं, सभी के सभी सौभाग्य योजना से इस अभियान के पीरियड में, इस अभियान के दौर में लाभान्वित किए गए हैं। सभी को मुफ्त विद्युत का संयोजन प्राप्त हुआ है और इनमें से जो मुफ्त विद्युत का संयोजन प्राप्त करने वाले जो हमारे लाभार्थी हैं, इसमें से तकरीबन 125 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी के सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास भी उपलब्ध कराया गया और सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त विद्युत कनेक्शन दोनों उपलब्ध कराया गया है। इसमें उज्ज्वला योजना के भी हमारे 10 लाभार्थी हैं जिन्हें इस अभियान के दौर में मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। तो इस कार्यक्रम में मुख्यतः इन्हीं 3 योजनाओं को देखते हुए यहाँ पे लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है। गाँव से महरूम नहीं है, क्या उन तक ये लाभ पहुंच रहा है? इसी क्रम में सारे जो कार्यक्रम क्रमानुसार लगे हुए हैं, एक अच्छा अवसर भी है, हम आप सभी से रूबरू हो, अपने ग्राम वासियों से रूबरू हो और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में जो भी अभी हमारे कार्यक्रम 5 मई तक निम्नानुसार लगे हैं, इसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपके सुझाव का और आपकी शिकायत का। और ग्राम स्वराज में जब पंचायत बैठती है तो पंचायत में परमेश्वर का वास होता है, तो ऐसे में पंचायत क्या सही में खुश है? हमारे अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं, किसी भाषणी कर रहे हैं, सिर्फ योजनाएं क्या बखान कर रहे हैं, वो जमीन पर कितना उतर रहा है? एक अच्छा अवसर है आप सभी के साथ बैठ करके उसका हम मूल्यांकन करें। विकास के लिए हमको पानी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। दूसरी समस्या गांव की है पानी के निकासी की। गांव का समुचित विकास नहीं किया गया है, बिना कोई योजना रचना के, बिना सिस्टम के, बिना नक्शा के गांव में घर बनाए गए हैं। गांव में नाली का पानी कैसे जाए, पंडों का पानी कहां जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। 5,000-10,000 रुपया दे देगा, उसके भी आर्थिक मदद की एक सीमा होती है, लेकिन अगर सिर्फ 12 रुपए का इंश्योरेंस आप करा लेंगे तो आपके घर में ऐसी अचानक होने वाली कृषि मृत्यु के एवज में आपको 2,00,000 रुपए प्राप्त होंगे। मुझे नहीं मालूम आप इस योजना का लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं। प्रशासन के लोगों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इस गोरखपुर विकास का वादा किया है, सबका साथ और सबका विकास का वादा किया है और ईमानदारी के साथ उस विकास की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आपको भी अपने अंदर हृदय में झांक कर देखना चाहिए हम ऐसी ईमानदार सरकार के साथ स्वयं राजनीतिक रूप से कितना ईमानदारी बरतते हैं। योजना इस समय चला रहे हैं खासतौर से किसान कल्याण दिवस, स्वास्थ्य के संबंध में स्वच्छ भारत दिवस, उज्ज्वला दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ग्राम स्वराज दिवस, आयुष्मान भारत दिवस, तमाम लाभकारी योजनाएं राज्य और केंद्र की आपके बीच में पहुंच रही। आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में गांव की राजनीति गांव सभाओं से शुरू होती है, ब्लॉक में आती है और ब्लॉक से फिर जिले स्तर पर आकर के तमाम योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। मैं गांव की तकलीफ को जानता हूं क्योंकि 1989 से लेकर के आज 2017 है, मैं जनता के बीच में ही रह करके और लंबे अनुभव के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी लंबी चौड़ी त्रुटियां ग्राम स्तर से और जिले स्तर पर रही है।
और हम बराबर निरंतर उसमें सुधार तो बहुत किए, लेकिन अभी भी जो आम जनमानस को लाभ जनता को सरकार को देना चाहिए उसमें अभी हम पीछे हैं मित्रों। खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में जो राशन बंटता है, अगर प्रधान टाइट है और प्रधानी ने उसने चुनाव में आपने विरोध कर दिया तो आपको कतई राशन नहीं मिलता हो। पार्टी बंदी अभी भी मौजूद है गांव के अंदर, और खासतौर से मैं उस जनता की बात कर रहा हूं, वृद्धा विधवा विकलांग तमाम जो पेंशन की योजना गांव में जाती है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं लेकिन वही गरीब जब भी हम जाते हैं तो गांव में खड़ा होता हमारा पेंशनिया नहीं भाई, हमें इसको गंभीरता से लेना होगा। आज मंच के माध्यम से मैं अपने जिलाधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में थोड़ा विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ गंभीर समस्याएं ग्रामीण लेवल से शुरू होती हैं, जो गांव की राजनीति से लेकर के और जिले तक पहुंच जाती है। आम आदमी कैसे लाभ पावे जिसका कोई सोर्स नहीं, जिसके पास कोई वहां गांव में नेता नहीं, कोई पैरोकार नहीं, हमें ये व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। और इसके लिए हम जन प्रतिनिधि जो आपके सामने इस मंच पर उपस्थित है, हम एक संकल्प लेना चाहेंगे आज इस स्वराज योजना के तहत कि हम गांव में जाएंगे, गांव में गरीबों को उसकी पात्रता के अनुरूप सरकार की जितनी योजना है गांव तक पहुंचाने का संकल्प हम ये पहुंचाएंगे, हम ये वादा आपसे करते हैं। और समाज का जो आखिरी व्यक्ति है जो 70 साल के बाद भी उसको मूलभूत सुविधा नहीं मिली है, ये सरकार उसको समर्पित है। और उसी को लेकर पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस समाज को विकास के गति से जोड़ने का काम हम लोग किए, और मुझे लगता है इस योजना के अंतर्गत 14 तारीख से लगातार हम लोग पूरे देश में गांव में चौपाल लगाकर, गांव में लोगों के बीच में जाकर जो हमारी योजनाएं हैं गरीब व्यक्तियों के लिए हम लोग आपके बीच में बताने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, बहुत सारे प्रधानगण यहाँ उपस्थित है मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे लाभार्थी भी यहाँ उपस्थित होंगे। पहले काम नहीं हुआ लेकिन दावे के साथ ये बात जरूर कहना चाहूंगा आज के दिन कि जिस तरह गांव में हम लोग चौपाल के मार्फत लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और जो गांव में जाकर ये अवसर देखने को मिल रहा है, तो कोई ग्राम सभा ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत कोई गांव 100-150 के अंतर्गत शौचालय या तो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर नहीं बन रहे। लोगों को अपने अंतर्गत जो वंचित वर्ग को लाभ हुआ है उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आइए मैं अपने समस्त मीडिया बंधुओं से या अपने सारे कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि ये कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। ये निःशुल्क प्रमाण पत्र वितरित करने का करें। पूरा प्रदेश है, जनता पूरा प्रदेश है सर। ताली बजा के इसके बाद ग्राम प्रधान लोगों को अपने माननीय विधायक